इसी बीच जयपुर का ईएसआई हॉस्पिटल भी कोरोना फ्री हो चुका है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने अस्पताल को अन्य मरीजों के लिए नहीं खुला है। ईएसआई में कोरोना के 168 में से 162 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। भर्ती मरीजों में 96 पुरुष और 72 महिलाएं शामिल थी, जबकि शेष 6 मरीजों को सीएमएचओ के निर्देश पर आरयूएचएस भेजा गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बनारसी दास ने इस पर बताया कि एक्शन प्लान और के अनुसार सभी चिकित्सक और स्टाफ ने कुशलतापूर्वक मरीजों का इलाज किया। इसी के साथ ही उनके पौष्टिक खान पान का भी पूरा ध्यान रखा गया। तो वहीं मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन ने इस पर बताया कि कोरोना संक्रमित होने के बाद मरीज की जो मानसिक असर है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और मरीज अवसाद में चला जाता है, जिसके चलते मरीज को ठीक होने में समय लगता है। तो हमारा अभी हमें स्टेट गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर मिला नहीं है। हाँ, अभी हमारे यहाँ पे पेशेंट आने बंद हो गए हैं, और जैसे कि अभी तक हमने 168 पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है, और उनमें से 162 पेशेंट कंप्लीट रिकवरी के बाद हमने डिस्चार्ज किए हैं। उनमें से सारे पेशेंट्स हमारे ट्रीटमेंट से बहुत ही खुश थे, और हमने एक प्लान किया था, एक्शन प्लान बना के हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसमें पेशेंट के सबसे पहले हमने पेशेंट को एक पौष्टिक और पर्याप्त आहार ये हमने प्रोवाइड किया, उनको मेडिसिन लगातार टाइमली प्रोवाइड की। हमारे डॉक्टर्स ने दिन रात वहाँ पे बैठ के काम किया है, और पेशेंट के लिए हमने उसमें उनकी काउंसलिंग और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए गए। और पेशेंट को, जैसा कि आप जानते हैं कि पेशेंट काफ़ी दिन से यहाँ पे एडमिट रहते हैं, 2 हफ्ते के आसपास, तो उनमें डिप्रेशन और कई तरह की बोर होने शुरू हो जाते हैं वो, तो उसके लिए हमने काउंसलिंग उनकी हमने की है, और उनके मनोरंजन का हमने साधन उपलब्ध कराए हैं। देखिए, उनमें एक सकारात्मक माहौल देना ऐसे में बहुत ज़रूरी था। जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी हमने जो पेशेंट्स थे उनके साथ, जो हमारे डॉक्टर्स होते थे, जो हमारे स्टाफ था, वो उनसे लगातार कम्युनिकेट करता रहता था। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, एक संवाद बना के रखते हैं, तो एक तो आपको एकाकीपन का एहसास नहीं होता क्योंकि आप घर से दूर हैं, और दूसरा जब आप इस तरह के प्रोफेशनल्स के साथ बात करते हैं तो वो आपको उसके बारे में पॉजिटिव आस्पेक्ट ज़्यादा बताते हैं। क्योंकि आप देखिए, सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रांतियाँ भी चलती हैं, और व्यक्ति उनसे ग्रसित होकर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक भाव पैदा कर लेता है। तो जब आप हॉस्पिटल में होते हैं और आप जब हॉस्पिटल स्टाफ के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको इसका सकारात्मक पहलू बताते हैं, वो आप में एक पॉजिटिविटी पैदा करता है। हमारे हॉस्पिटल में भी हमारा जो स्टाफ था, हमारे जो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल, नर्सिंग, वो सभी पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते थे। उनके साथ हंसी मजाक करना, उनको इन्वॉल्व करना, उनको एक फैमिली एटमोसफियर देना, समय पर उनका खाना, हर चीज़ का ध्यान रखना, तो उनको कहीं ना कहीं एक जब आप में भावनात्मक लगाव होता है तो आप में इस तरह की बीमारियों से लड़ने की एक क्षमता पैदा होती है, और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दवाइयों के साथ साथ ये जो सकारात्मक पहलू है वो इससे बाहर निकलने में बहुत कारगर होता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए।